किसान और बागवान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, विभागाध्यक्ष बीज विज्ञान विभाग, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और दैनिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अदरक के स्वस्थ बीज उत्पादन की। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब समझते हैं, स्वस्थ बीज उत्पादन का लगाई जाने वाली फसल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हमने उस फसल का सफल उत्पादन करना है तो उसमें पहली प्राथमिकता हमारी ऐसी रहती है कि बीज उच्च गुणवत्ता का हो और स्वस्थ हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 30% हानि जो है वो किसान को उठानी पड़ती है। और ऊपर से क्योंकि आज हम अदरक के स्वस्थ बीज उत्पादन की बात करने वाले हैं, अदरक एक ऐसी मसाला फसल है जिसकी गठी या बीज वो जमीन के नीचे तैयार होता है, और दूसरी फसलों की वनस्पत जब हमें ये पता नहीं चल पाता है कि गठी में क्या कोई रोग लग गया है या कोई कीटाणु आ गया है, जब तक कि उसके लक्षण ऊपर पौधे पर नहीं आते हैं, इसलिए इसके स्वस्थ बीज उत्पादन की प्रासंगिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और स्वस्थ बीज उत्पादन जब हमने करना है तो हमारे सामने सर्वप्रथम पहली चुनौती ये रहती है कि बीज हम कहाँ से लें और किस किस्म का लें। जो बीज विज्ञान विभाग है नौणी विश्वविद्यालय का, वो प्रमुखता से दो किस्मों का बीज तैयार कर रहा है और दोनों ही किस्में नौणी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। पहली किस्म हिमगिरी है जो लगभग 10 वर्ष पहले हमने तैयार की थी, उसका बीज भी हम बना रहे हैं। और लगभग 2 वर्ष पहले हमने एक नई किस्म सोलन गिरी गंगा के नाम से विकसित की है, और उस किस्म का भी जो मुख्य पहलू है दोनों ही किस्मों का है कि अदरक में एक रोग आता है गठी सड़न रोग, और दोनों ही किस्मों में उसको सहने की क्षमता बाकी किस्मों से अधिक रहती है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि जो लोग, जो किसान अदरक की खेती करने वाले हैं, वो कृपया प्रमाणित केंद्रों से ही अदरक का बीज लें और उसको अपने खेतों में लगाएं। अब दूसरी जो बात हम करने वाले हैं वो है, बीज तो हमने ले लिया है, लेकिन बीज किस तरह का होना चाहिए। ये एक कंद वर्गीय फसल है और अदरक का महत्व तो हम जानते ही हैं कि आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों का गुणगान प्रचुर मात्रा में किया गया है। और आजकल अगर हम कोरोना बीमारी की बात करें तो कोरोना से बचने का उपाय जो वैज्ञानिक या डॉक्टर बताते हैं, वो कहते हैं कि शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जाए। तो उस दृष्टि से भी अदरक एक ऐसी मसाला फसल है जिसका उपयोग भी हमारी दिनचर्या में लिखा गया है कि अदरक का सेवन करें जिससे हम कोरोना, हमारे शरीर की कोरोना से प्रति लड़ने की प्रतिरोध क्षमता जो है बढ़ेगी। तो हम गठियों की तरफ आते हैं। गठियां हमने स्वस्थ लेनी है, और जब हमारी फसल अदरक की तैयार होती है लगभग दिसंबर के माह में, तो हम उसको निकाल लेते हैं खेतों से, मिट्टी से निकालेंगे। अब उसका सुरक्षित भंडारण ही पहली बहुत बड़ी चुनौती किसान के पास रहती है, क्योंकि वही बीज जो है वो हमने अगले वर्ष अप्रैल या मई के माह में किसानों ने खेतों में लगाना होता है, तो उसका सुरक्षित भंडारण करना है। और गांठें जो हमने लेनी है वो फूली हुई गांठें लेनी है, और लगभग 25 से 30 ग्राम की एक गांठ जो है वो हमने लेनी है, उसका उपचार करना है। उपचार के लिए 100 लीटर पानी में मैंकोजेब लगभग 250 ग्राम और कार्बन डेंजिम, ये मैं नाम बता रहा हूँ, ये आप नहीं तो डाइथेन और वेबस्टीन के नाम से भी मिलेंगे, तो कार्बन डेंजिम 100 ग्राम ये 100 लीटर पानी में घोल बनाना है। वो जो गठियां जो आपने बीज के लिए चयन जिनका किया है, उनको लगभग 1 घंटे तक इस घोल में डुबो के रखना है, फिर निकालना है, फिर छाया में कम से कम 3 घंटे सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो गठियों को सूर्य की किरणों से हानि हो सकती है, इसलिए छाया में सुखाना है। फिर गड्ढे में, जो हमारी प्रक्रिया है, कभी हम बात करेंगे कि उन गड्ढों में इसका सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं, दिखा करके आपको बताएंगे। तो ऐसे उनको सुरक्षित भंडारण कर लेना है, और एक पाइप, एक मुंह खुला हुआ उस गड्ढे का बाहर भी रखना है ताकि बाहर से हवा जाए अंदर, और जो अंदर अधिक नमी तैयार होती है वो उस माध्यम से बाहर निकल जाए,
नहीं तो अगर अधिक नमी जो है भंडार में होगी तो दोबारा गठी सड़न रोग पनपने की आशंका रहती है। फिर जब उस सुरक्षित गठियों को हम अप्रैल के महीने में बाहर निकालेंगे तो पुनः उसका इसी विधि द्वारा उपचार करेंगे और फिर खेतों में लगाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर गठियां हमारी स्वस्थ होंगी और बिना बीमारी के होंगी तो ये एक गठी है, ये मदर राइजोम है जो पुरानी गठी है और ये लगभग 30 ग्राम की गठी है, क्योंकि ये स्वस्थ थी, ये फूली हुई थी और देख लीजिए इसमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। तो आने वाला जो बीज है वो भी बिना बीमारी का तैयार हो गया। सारी गठियां बिना बीमारी के हैं और लगभग ये देख लीजिए अभी भी नए पौधे इसमें से निकल रहे हैं और अभी ये सितंबर माह है, हमने इसको दिसंबर में निकालना है। ये 30 ग्राम की गठी है, 30 से 35 ग्राम की, और लगभग 1.5 किलो की मात्रा में इस पौधे से हम अदरक तैयार करेंगे। तो कितना महत्व है स्वस्थ गठियों का लेने के लिए। और ये रंग भी अदरक के स्वास्थ्य का एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। देख लीजिए ये जो पिंक रंग जो आता है अदरक में, ये माना जाता है कि ये अदरक खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है। और पत्तियों का रंग आप देख लेते हैं, देख सकते हैं कोई भी निशान नहीं है, नहीं तो पत्तियों के ऊपर भी बीमारी आती है वो बाद में। तो इसलिए स्वस्थ गठी का चुनाव पहली प्राथमिकता हमारी रहती है। अगर वो आपने वादा पार कर ली तो समझिए आपको 60-75% तक सफलता अदरक के व्यवसाय में, अदरक के खेती के व्यवसाय में मिलने वाली है। और उसके बाद जब आपने स्वस्थ गठियां तैयार कर ली हैं तो उनको लगाना है, वो दूसरी प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप खेत में जुताई करेंगे और उसमें मेड़ बनाएंगे। मेड़े जो है वो लंबाई और चौड़ाई आपकी आवश्यकता अनुसार होगी, लेकिन उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक निश्चित रूप से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने तैयार की है एक क्यारी, ये 15 से 20 सेंटीमीटर जो है ये ऊंची है। और इसमें जितनी मिट्टी की मात्रा है उतनी ही गोबर की गली सड़ी खाद मिलनी चाहिए। लगभग एक पैमाना में आपको बताता हूँ, अगर एक बीघे में आप अदरक लगा रहे हैं तो 25 क्विंटल के आसपास गोबर की गली सड़ी खाद की जो है वो आवश्यकता उसको तैयार करने के लिए रहती है। और जब ऐसी मात्रा गोबर की है तो उसके बाद गठियों को 30 सेंटीमीटर दूरी पर गठी से गठी के ऊपर आप लगाएंगे। और अगर 1 मीटर चौड़ाई है आपकी क्यारी की तो 3 लाइनें आपकी आएंगी। आप देख सकते हैं 3 लाइनें इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लगी हुई हैं। अब दूसरा पहलू जो अदरक की खेती में है लगाने के बाद, वो है तुरंत इसको लगाने के बाद ढकना है, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, वो सूखी घास से ढकना है। कुछ लोग जो है वो चीड़ के पत्तियों का प्रयोग भी करते हैं, पर क्योंकि आने वाला समय गर्मियों का होता है इसको लगाने के बाद, तो कई बार दुष्प्रभाव चीड़ की पत्तियों के देखे गए हैं। तो गोबर की गली सड़ी खाद या नई गोबर सनित घास की पत्तियों का आप सीधा प्रयोग उसमें कर सकते हैं, जिससे कि अदरक की एक गठी जो आपने लगाई है जिसमें लगभग 3 आंखें हम मानते हैं 30 ग्राम वाली गठी में होनी चाहिए, उससे अंकुरित होकर के जब वो निकलेंगी तो फिर वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और 12 से 15 पौधे जो है उस गठी से तैयार होंगे। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो इस तरीके से आप गठियां लगाएंगे, मल्चिंग करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे और उनका सुरक्षित अंकुरण होने देंगे, तब आपने अगली सिंचाई करनी है। फिर क्योंकि ये जो बीमारी है गठी सड़न रोग, ये प्रमुख बीमारी है अदरक के बीज की, तो उसका उपचार भी हमें खेत से शुरुआत करनी पड़ती है। तो जैसे ही आपकी बरसात, ऐसा हम मानते हैं वैज्ञानिक कि मिट्टी के बाद अगर उस बीमारी का कोई सोर्स रहता है तो वो है अधिक नमी। तो जैसे ही आपकी बरसात, जैसे सितंबर में आपकी बरसात उठ जाती है, उस समय आप ब्लाइटॉक्स नाम की एक दवाई मिलती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो 30 ग्राम 10 लीटर पानी का घोल बना करके आप एक बार अदरक के पौधों की निश्चित रूप से सिंचाई कर लें, ताकि अगर कहीं किसी गठी में वो रोग पनप रहा है तो उसकी रोकथाम हो जाएगी। और जब आप दिसंबर में गठियां निकालेंगे खेत से तो सारी गठियां स्वस्थ होंगी,
सुरक्षित होंगी और उनको तुरंत आप भंडारण में ले जा सकते हैं। एक और पत्तियों के ऊपर पीला रोग आता है अदरक का, उसको रोकथाम के लिए भी आप, हमारी फसल में नहीं है क्योंकि हमने उसकी रोकथाम कर रखी है, पर कई बार वो रोग आ जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 30 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें और उससे उसकी आपकी रोकथाम होगी और वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ये कुछ एक प्रमुख बातें थी जो अदरक के स्वस्थ गठी उत्पादन से जुड़ी हुई थी। इसी तरीके से हम अपने बीज विज्ञान विभाग जो नौणी विश्वविद्यालय में है वो उन्हीं सिफारिशों को अपना करके अदरक की स्वस्थ गठियों का उत्पादन करते हैं और इसके बाद किसान हमारे से ले जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे से ले जाते हैं और कृषि विभाग जैसे दूसरे विभाग हैं वो भी ले जाते हैं और ये स्वस्थ जो अदरक है वो आगे जाकर के किसानों के खेतों में प्रचुर मात्रा में फसल देता है ताकि वो अदरक से किसान की आमदनी बढ़े, उसका आय का ये एक और अच्छा तरीका बने, यही हमारा जो है वो विश्वविद्यालय का लक्ष्य रहता है। किसान भाइयों, एक अत्यंत जरूरी और आवश्यक सिफारिश अदरक के स्वस्थ उत्पादन को लेकर के जो मुझे आपको बतानी है वो वातावरण को लेकर के है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अदरक एक छायादार चाहने वाली फसल है, छाया में वो अच्छे तरीके से उगता है। इधर हमारे खेत में छाया है तो आप देख सकते हैं कि अदरक की बढ़ोतरी कैसी है, पौधों की बढ़ोतरी कैसी है और रंग कैसा है। और इधर दिन में लगभग कुछ समय धूप रहती है तो धूप वाले परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि अभी तक पौधों ने उतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं ली है। इसलिए हमारी एक सिफारिश रहती है कि जब आप अदरक लगाते हैं तो अदरक के खेतों में मक्की भी लगाएं ताकि मक्की थोड़ा छाया का एक छाया प्रदान करेंगी अदरक को और उसकी खेती जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। इसी तरीके से और कई अन्य सिफारिशें हैं जो अगर आप सब्जियों का या पौधों का बीज तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए निश्चिंत रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे विभाग का नंबर 0172-252-323 है, मेरा अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है 94-181-47-799। और बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी तकनीकी जानकारी के लिए आप हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय के नंबर 0172-252-426 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हर खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और जिससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।